ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीसह गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षै क्षिप्तासि कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्द नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। सर्वप्रथम मैं गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत गोस्वामी तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को यथाजंग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत गल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री गोस्वामी जी ये ग्रंथ का नाम रामचरित मानस उन्होंने क्यों रखा है, क्यों रखा है रामचरित मानस क्यों रखा मन उपरे कहते हैं रामचरित मानस। अगर मन के ऊपर में तो क्या होगा, मन अपने आप शांत हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ग्रंथ का नाम उन्होंने रामचरित मानस उन्होंने ये ग्रंथ का नाम रखा। और शंकर जी ने जब विष को पान किया देवता लोगों ने देखा किया कैसे लगा, बोले मस्त है बढ़िया है। बोले कैसे, बोले नीचे रख दिया राम बीच में रख दिया बीस राम हो गया कौन था कुछ बीस राम हो गया। इसलिए इसका मतलब है अगर किसने अपना हृदय में भगवान का राम को हृदय में स्थान दे दे तो को विश्राम की प्राप्त होता है, विश्राम मिलता है। इसलिए गतकल हम श्रवण कर रहे थे गोस्वामी जी ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम श्री गुरु जी की चरण को उन्होंने वंदना की। बोले क्यों, बोले गुरु गोविंद दो खड़े काक लाग पाओ बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताओ। कहते अगर गोविंद अगर गुरु जी अगर दो दो खड़े तो पहले प्रथम तो गुरु पूज्य ततश्चैव ममार्चनम कुर्वन् सिद्धिमाप्नोमि। अगर गुरु गोविंद दो खड़े तो सबसे पहले श्री गुरु जी
वंदना करनी चाहिए, उसको बाद में श्री भगवान को, नहीं तो उनकी सेवा पूजा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, हैं बिनो गुरु भवानी धितारा इन कोई, बिनो गुरु भवानी धितारा इन कोई, जो बीरिंचि सकर समोई, जो बीरिंचि सकर समोई, गुरु भवानी धितारा। गोस्वामी जी कहते हैं कहते ब्रह्मा शंकर जी के बराबर अगर कोई हो जाए, अगर गुरु जी के चरणों का आश्रय नहीं ग्रहण करे तो वो व्यक्ति भव सागर से पार नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले बंदो गुरु पद पदो मा परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, बंदो गुरु पद पदो मा परागा। इसलिए कहते बंदो गुरु पद पदो मा परागा, इसलिए सबसे पहले उन्होंने गुरु जी के चरण, गुरु जी का जो चरण है कैसे बोले कमल जैसे, कमल से जैसे खुशबू निकलती है, कमल जैसे सुंदर है, हैं बड़े सुंदर है कमल। कहते जी गुरु जी के चरण में सारे मंगल, सारे हैं मंगल गुरु जी के चरण में विद्यमान। इसलिए सबसे पहले गुरु जी पहले सारे वैष्णव को उन्होंने प्रणाम किया है। इसलिए वैष्णव है क्या उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया था बोलो। कहते मृदो मंगल मय संत समाजो, मृदो मंगल मय संत समाजो, जो जग जग माति अजो, जय सुर सारी धारा सरस ब्रह्मा विचार प्रज। गोस्वामी जी कहते हैं भूत मंगलमय संत समाजो, जो जग जग तीर्थ राजो। इसलिए कहते जो संत का जो समाज है बड़ा मंगलमय, बड़े मीठा और बड़े मंगलमय। कहते संत लोग कैसे हैं उसको उदाहरण दिया, कहते ये तीर्थ राजु हैं, जो जग जग जंगम तीर्थ राजु। कहते तीर्थ तो एक जगह पर खड़ा है और जो तीर्थ राज प्रयाग और एक जगह पर खड़ा है, जो जाएगा उसका कल्याण करेगा। लेकिन संत लोग भक्त लोग जहां जाएंगे हैं, जहां जाएंगे वो स्थान को तीर्थ राज बना देते। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कहते ये मन तू तीर्थ सदारत अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवध्या द्वारावती आर्जत आछे, तुम्ही चाहो भ्रमी बारे ऐसा कल बारे बारे मुक्ति लावत करिवार तरे। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जीव क्या चाहते बोले तीर्थ जाएंगे, क्या कहेंगे तीर्थ जाएंगे, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवध्या द्वारावती हम तीर्थ जाएंगे। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर क्या कहते हैं कि इसलिए तीर्थ जाना चाहते हो, बोले तीर्थ में स्नान करेंगे तो सब पाप दूर हो जाएगा, पाप हमारे सबके सब पाप दूर हो जाएगा। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ये सकल तब भ्रम, ये सकल तब भ्रम निरर्थक परिश्रम चित स्थिर तीर्थ नाय करे। चित्त भ्रमण करने से बल्कि हृदय में चंचलता आ जाती, आज अयोध्या गए कल मथुरा जानी चाहिए, अब तो चार धाम किया ही नहीं, अयोध्या तो गया नहीं, मथुरा तो गया ही नहीं है, इसलिए वो धाम में नहीं गया, वो धाम में नहीं गया। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कहते ये सकल तब भ्रम है और जितने परिश्रम सबके सब तुम्हारे बेकार है, तीर्थ यात्रा परिश्रम ये मनर भ्रम, चित्त स्थिर तीर्थ नहीं करे।
बोले तीर्थ कहाँ पर है, बोले जथा साधु तथा तीर्थ चित स्थिर करी निज चित साधु संग कर निरंतर। इसलिए भक्तिमन ठाकुर के जथा साधु तथा तीर्थ, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं तीर्थ कहाँ पर है, जहाँ पर हरि कथा वहीं पर तीर्थ, वहीं पर जहाँ हरि कथा हो रही वहीं पर असली तीर्थ वही है। लेकिन तीर्थ यात्रा करने से जैसे हमारे उड़ीसा में बूढ़ा करते हैं, बूढ़ा पकाते हैं ना, एक महीना तक हविसार न खाएंगे, है हविसार न, थोड़ा थोड़ा घी दे करके एक साथ में दाल चावल सब दे देंगे और थोड़ी सी घी दे करके एक महीना तक खाएंगे पूरा, किससे बात नहीं करेंगे, हैं इधर उधर नहीं जाएंगे, रोज आकर के क्या करेंगे, समुद्र में स्नान करेंगे एक महीना तक, बड़े व्रत करेंगे। जब एक महीना पूरी हो जाएगी ना, जब बूढ़ा पका लेंगे, बूढ़ा 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 माने आकर के समुद्र में स्नान करेंगे, बोलेंगे एक महीना हो गया अभी तक माछ मछली खाया नहीं, हाँ मुँह ना मुँह खराब हो गया, आज बढ़िया करके माछ लाओ और कुकड़ा लाओ और मुर्गा लाओ और बकरी लाओ, बढ़िया करके लाओ, आज बढ़िया करके खाएंगे, हाँ छाड़ खाएंगे, हाँ छाड़ खाएंगे, इसलिए बढ़िया करके लाओ। इसलिए भक्त विनोद ठाकुर उदाहरण दिया है, हैं हमारे भागवत में बताया ये तीर्थ कैसे हैं, बल्कि ये कुंजर शौच वत, कुंजर मतलब हाथी, शौच मतलब जैसे हाथी को किसी तालाब में लेकर के अच्छे तरह से उसको स्नान करा दो, लेकिन स्नान करने के बाद हाथी क्या करेगा, पहले आकर सूर में वो सारे धूल को लेगा और भर करके सारा शरीर में लगाएगा, फिर जाएगा, उसको पहले नहीं जाएगा, और धूल नहीं रहेगा तो पैर में उसको रोंद करके धूल बनाएगा, वो धूल लगा करके फिर जाएगा, बस हो गया सारे स्नान पान। इसलिए भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं तीर्थ फल साधु संग, साधु संग अंतरंग श्री कृष्ण भजन मनोहर। तीर्थ का जो फल है, हैं तीर्थ इसलिए जाने के लिए कहते हैं, तीर्थ में साधु लोग रहते हैं, तीर्थ में जाकर के साधु संग करनी चाहिए, हरि कथा सुननी चाहिए, हैं इसलिए कहते गिरि तथा गोवर्धन, बोले गिरि गोवर्धन कहाँ पर है, बोले जहाँ पर हरि कथा है, भूमि तथा वृंदावन, वृंदावन कहाँ पर है, बोले जहाँ पर हरि कथा हो रही, राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ, बोले बोले जहाँ पर हरि कथा हो रही है। इसलिए बोले जे तीर्थ वैष्णव नाही से तीर्थ ते नाही जाए, किला व हटिया दुरदेश, जहाँ जाने से वैष्णव का संग नहीं मिलेगा, हरि कथा नहीं मिलेगी, कहते वो तीर्थ जाने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए भक्तिमन ठाकुर क्या बोले, बोले गौर आमार जे सब स्थानी करल भ्रमण रंगी, से सब स्थान हरि बाबी प्रणय भगत सांगे, शोध भगत चरण रेणु भजनानो बोल, शोध भगत चरण रेणु भजनानो बोल। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जे दिन गृह भजन देखी गृह तो बोलत भाई, जहाँ पर हरि कथा, जिस दिन घर में कीर्तन हो, भक्त लोग आए, घर में हरि चर्चा हो, बस वहीं पर ही सब कुछ, गिरिराज गोवर्धन नंदगांव बरसाना वहीं पर है सब के सब। इसलिए जब हमारे गुरु जी भक्तिवेदन नारायण गोस्वामी महाराज जब वो विदेश जाते थे, कुछ लोग थे जो वृंदावन वास कर रहे थे, विदेश से छोड़ करके वृंदावन धाम में वास कर रहे थे, बोले वृंदावन वास करेंगे, लेकिन जब गुरु जी जाते थे, सब गुरु जी जा रहे हैं अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, सबके सब गुरु जी के साथ पहुंचे, बोले भैया तो वृंदावन वास करने आए हो, वृंदावन में यमुना है, वृंदावन में राधा कुंड श्याम कुंड, वृंदावन में गिरिराज गोवर्धन, वृंदावन में सब कुछ, वृंदावन में, और तुम लाख रुपया खर्चा करके तुम वृंदावन में आए हो, ब्रजवास करने के लिए तुम आए हो, लेकिन तब तक जब गुरु जी जाते थे, विदेश जाते थे, सबके सब गुरु जी को साथ में चले जाते थे, बोले भैया तो वृंदावन छोड़कर गुरु जी को साथ में क्यों जा रहे, कारण है क्या, बोले कारण है जहाँ पर शुद्ध भक्त है, जहाँ पर शुद्ध भक्त, जहाँ पर भगवान की कथा हरि कीर्तन है, वहीं पर ही वृंदावन वास वहीं पर है। जब हरि कथा जब हम सुन रहे हैं, वैष्णव का जब संग कर रहे हैं, समझो सारे तीर्थ सर्वानि तीर्थानि बसंति तत्र जथा चुदादर कथा प्रसंग,
जहां पर भगवान की कथा कीर्तन हो वहीं पर सारे तीर्थ का निवास वहीं पर है, सारे तीर्थ का निवास। लेकिन बास कर रहे हैं वृंदावन में, बास कर रहे हैं वृंदावन में, लेकिन मन वृंदावन में है कि मन और कहीं पर है, मन हमारी और कहीं पर है, पर वृंदावन वास नहीं हो रहा। हमारे मन जहां पर है हम वहीं निवास कर रहे हैं। लेकिन कोई घर में रह रहे हैं, कोई व्यक्ति घर में रह रहे हैं, लेकिन मन वृंदावन है। इसका मन वृंदावन में दिन रात घर में ठाकुर को सेवा कर रहे हैं, ठाकुर को पूजा कर रहे हैं, तुलसी परिक्रमा कर रहे हैं, रोजाना ठाकुर का कीर्तन भजन भक्ति में। और हम जो सबरे कीर्तन करते हैं ना, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड दी गोवर्धन आलिंदी यमुना जय जय महाबन केसी गात बंसी बट द्वादश कनाना जहाँ सब लीला कैल श्री नंद नंद श्री नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे जो कीर्तन लिखा है ना। सवेरे अगर ये जो कीर्तन को मंगला आरती के बाद में जो तुलसी परिक्रमा करते हैं हम इसी कीर्तन से परिक्रमा करते हैं, वो ऐसे एक कीर्तन है। अगर एक कीर्तन को अगर हमने गा लिया ना पूरा गिरिराज गोवर्धन नंदगांव बरसाना राधा कुंड श्याम कुंड सब कुछ एक कीर्तन में, एक कीर्तन में सब कुछ है। अगर ये कीर्तन करते करते अगर इसको स्मरण करते रहे ना, इसको स्मरण करते रहे, बस गिरिराज गोवर्धन निवास हो गया, राधा कुंड में रह गए, श्याम कुंड हो गया, काली दिन सब तुम्हारी परिक्रमा हो गया, सब जगह पर हो गया। ऐसे एक कीर्तन श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखे। इसलिए प्रभुपाद कहते थे, कहते ये गौड़ीय मठ नहीं, प्रभुपाद कहते मैंने गौड़ीय मठ स्थापन नहीं किया। राधा रानी का जो निकुंज मंदिर गोलोक वृंदावन से राधा रानी का निकुंज मंदिर को मैंने यहाँ प्रकट कर दिया। राधा रानी की निकुंज मंदिर ये गौड़ीय मठ नहीं, कहते मेरे जो गृहस्थ भक्तों का घर घर नहीं, वो क्या है, राधा रानी की निकुंज सेवा कुंज निकुंज मंदिर है। जैसे गोलोक वृंदावन में जो कुछ गोलोक वृंदावन में हो रही है, बस यहीं पर गौड़ीय मठ में तो वही हो रहा है। ठाकुर का सेवा, उसका नाम, उसके लिए फूल की माला बनाते हैं, उसके लिए प्रसाद बनाते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, बस है कथा सुनते हैं। तो कहाँ निवास कर रहे हैं, कहाँ पर, हम श्री गोलोक वृंदावन में ही निवास कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर श्री गोस्वामी जी कहते हैं, मृदु मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजो। ये जो साधु है वो साधु नहीं, ये कौन है, ये सख्यात गंगा जमुना सरस्वती जो तीर्थराज जो प्रयाग है, ये चलते फिरते हुए ये सब के सब तीर्थराज प्रयाग, ये जहां जाते हैं उसी स्थान को ही तीर्थराज प्रयाग बना देते हैं, तीर्थराज प्रयाग वहीं पर बन जाता है। इसलिए उन्होंने संतों की कल हम श्रवण कर रहे थे, उसमें गंगा किया है, उसमें जमुना किया और उसमें सरस्वती किया है, उसमें गंगा जमुना सरस्वती किया उसको वर्णना कर रहे थे। इसलिए कहते अकथ अकथ अवलोक की तीर्थ राओ देह सत्य फल प्रकट प्रभाव। यदि संत जो सख्यात जो चलते फिरते हुए जो तीर्थराज है, कहते अकथ अवलोक तीर्थ राओ, ये जो संत समाज भक्तों की जो समाज है वो कह रहे हैं, यदि अवलोकी की अकथ्य है जिसको जिसकी महिमा हम वर्णना नहीं कर सकते, देह सत्य फल प्रकट प्रभाव। अगर संतों का संग अगर कोई करे, वैष्णव संग करते ही कद उसी समय में ही उसका फल प्राप्त हो जाता है, उसी समय में ही फल प्राप्त हो जाता है। फिर कहते भैया क्या फल है, कद साधु संग करने से क्या फल है, हाँ फल क्या है, तब गोस्वामी जी कहते हैं, भले मंजन फल दिखाओ तत्काला मंजन फल दिखाओ तत्काला काक होई पीक
कतौ मराला ताक होई पीता कतौ मराला पंजन फल देखाओ तत्काला। कभी एक सत्संग कथा रूपी गंगा में स्नान करने का साथ साथ फल प्राप्त हो जाता है। बोले क्या फल है? बोले काक होई पी का पकौ मरला, जो कौआ है वो बन जाता है कोयल, कौआ बन जाता है कोयल। मतलब क्या है? कौआ देखे कि नहीं? कौआ कौन कौन कौआ देखे हो? कारा कारा कौआ देखे से कहते कौआ देखने में काला है और जो कोयल देखने में काला है ना, दोनों काला है। लेकिन अगर यहाँ कौआ बैठ कर का 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 करने लग जाए ना, बोले कान दर्द हो जाए, बोले कब से बैठ कर का का कर रहा है। लेकिन जब बसंत ऋतु में जब कोयल जब कुहू कुहू बड़ी जो मीठी मीठी आवाज करती, कितने अगर कथार भी गंगा में स्नान करेगा ना, कौआ नहीं रह जाएगा, कोयल बन जाएगा। सबके सब पहले कौआ ही थे। कौआ मतलब क्या है? बात में जो कहा 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 दिन भर करते रहते हैं, दुनियादारी की बात है, कौआ की बात जिस कर्कश है, संसार का बात भी कर्कश है। बैठ जाओ अरे किसको परिवार को साथ में बैठ जाओ, कैसे हो? बोले मंडी हिलाएंगे ठीक है, लेकिन अंदर की बात करो ना। इतने दुखी संसार दावा नलहीन लोग, दुखी दुखी तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई संसार से दुखी, कोई तन दुखी, कोई रहत उदास, थोड़े थोड़े सब संसार का बात है। क्या है? दुखी। लेकिन हम लोग क्या क्या करके सोचते हैं ना, अरे वो संसार दुखी रहे, हमारे पिताजी दुखी है, लेकिन हम संसार करके सुखी रहेंगे। कभी हम लोग क्या सोचते हैं, ब्रह्मचारी लोग विशेष करके सोचते हैं, कहते पिताजी दुखी रहे, माताजी दुखी रहे, लेकिन हम थोड़ी दुखी, हम शादी करके सुखी हो जाएंगे, हम शादी करके क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती उदाहरण देते हैं, किसने चावल बनाया उदाहरण देते, चावल बनाया कभी अन्न बनाया उदाहरण देते हैं। जब हम अन्न बनाते हैं बनाते हैं, देखना आते हैं, जब देखते हैं एक चावल हो गया, पता चलता है पूरी कढ़ाई का चावल पक गया है, पूरा बर्तन का चावल पक गया। तो वो विश्वनाथ चक्र उदाहरण देते हैं, बोले भैया एक चावल से जैसे सारे चावल पता चल जाती हैं, उसी तरह ही जब हम देखते हैं हमारे पिताजी की पिताजी सबके सब दुखी 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 हैं, भैया भैया तुम कैसे सुखी रहोगे, बोले तुम कैसे सुखी रहोगे हैं, कहते नहीं हम तो पैसा कमा करके ना हम संसार में सुखी हो जाएंगे। मैं उदाहरण देते हैं ना, जब लड़की अपना ससुर घर में अपना जाती है, अपना ससुर घर में जाती है बहुत रोती है, लड़की जब शादी करके अपना ससुर घर में जाती है बहुत रोती है, लड़की की शादी होकर ससुर घर जा रही थी बहुत रो रही थी बहुत रो रही थी, उसको पिता माता समझा रहे थे रो मत, बीच बीच में आ जाएंगे, बीच बीच में भैया भी आएंगे तुम भी बीच बीच में ना, लेकिन उसको रोना बंद नहीं हो रहा था। इतने में उसको पत्नी का चुप होना, रोती जा रही है, चुप हो जाती, रोती नहीं जाती, रोती जा रही है। वो क्या कहती है? बोले जीवन में पहला बार मैंने रो लिया, जीवन में पहला बार रो लिया, आज हमारी रोना बंद, कल से तुम्हारी रोना शुरू हो जाएगी। इसलिए कहते पिए पिए सबको ही कहे, गोस्वामी का पद है, पिए पिए सबको ही कहे, मेरे मन में यह है चढ़ खटोल ढो ढो करके जेल भर ले जाए। गोस्वामी जी कह रहे हैं बड़े पालकी में बैठ कर जा रहे हो ना, है बाजा बजा करके गाजे बाजा के साथ में, पिए पिए सबको ही कहे, है शादी में घोड़े में चढ़ करके पालक में चढ़ करके जा रहे हो, वो कह रहे पालक में नहीं चढ़ करके जा रहे हो, है चढ़ खटोल ढो ढो करके जेल भर ले जाए। अभी तक तो फ्री था, अभी हाथ पैर बांध करके जेल में ले जा रहे, आज से तुम्हारी जेल शुरू हो जाएगी, पिटाई शुरू हो जाएगी तुम्हारी, तुम्हारी पिटाई शुरू हो जाएगी। बोले एक जब एक बच्चा शादी करके जाता है ना, दूल्हा बनकर घोड़े को पीठ पर बैठता है, देखा कि नहीं, घोड़े को पीठ पर बैठ करके जाता है, सामने एक घोड़ा जा रहा था और एक घोड़ा सामने जा रहा था, तो
वो जो जिस घोड़े के ऊपर में दूल्हा बैठा था ना, वो घोड़ा क्या कर रहा था, वो दूल्हे को ऐसे ऐसे देख करके जोर जोर से हंस रहा था, ऐसे ऐसे देखे और जोर जोर से हंसे। सामने जो घोड़ा जा रहा था बोले भैया आज डबल हंस रहे हो, बोले रोज तो हंसते हो आज तो तू डबल हंस रहे हो, क्या चक्कर है आज डबल क्यों हंस रहे हो। बोले ये दूल्हे को देख कर हंस रहे, बोले क्यों, बोले आज मेरे ऊपर बैठा है ना, आज घोड़े के ऊपर बैठा, कल इसको घोड़ा बनना पड़ेगा, आज मेरे ऊपर में घोड़े बनाकर बैठा, कल ये घोड़े पे, कल ये घोड़ा बनने वाले, इसलिए इसको देख देख कर मैं हंसता हूं। इसलिए यहां पर कह रहे हैं, कहते ये काक होई पीक और बकौ मराला, जो कौआ है ये कौआ क्या बन जाते हैं, कोयल बन जाते हैं, कोयल बन जाते हैं, फिर दुनिया की बात का 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 करना छोड़ देते हैं, कोयल बनकर क्या करते हैं, भगवान की मीठी मीठी मधुर मधुर सरस कथाओं को रसपान करते हैं, सरस कथाओं को रसपान करते हैं। और क्या हो जाता है, पी कहते बको मराला, जो बगुला वो बन जाता है, हंस बन जाता है। बगुला क्या करता है, देखना कीड़े मकोड़े इधर उधर ढूंढ ढूंढ कर खाता है, लेकिन हंस क्या करता है, मानस सरोवर में है कपल मधु को पान करता है, कपल मधुओं को पान करता है। इसका मतलब क्या है, दुनिया के लोग, इसलिए भागवत में बताए ना, सुबीड बरा पुष्ट करई संस्तुत पुरुष पशु न जत कर्ण पथ पेत जातु नाम गदाध्वज, जिनको कानन में भगवान का नाम नहीं जाते हैं वो किए हैं कैसे, बोले कुत्ते हैं। कुत्ता क्या करता है, हड्डी देखेगा ना, इधर उधर देखेगा, कोई तो देख नहीं लिया, फिर हड्डी को मुंह में पकड़ करके उसमें कोई रस नहीं, उसको ले जाएगा किसी जंगल में एकांत में और उसको खूब चिबाएगा, अपना मुंह से खून निकलेगा और अपना मुंह का खून पी पी करके ना, बोले क्या आनंद आ रहा है, वो हड्डी में कुछ है नहीं, वो हड्डी है, इसलिए बोले सबीड बरा ओष्ट करे ही। कहते वो क्या है, कहते ये बिष्टाभजी एक सुअर है, बिष्टाभजी सुअर है, ऊट है, ऊट जैसे कांटा खाता है और अपना मुंह से ही खून निकलता है, बोले क्या स्वाद आ रहा है, क्या स्वाद आ रहा है। खरई, खरई मतलब होता है गधा, हमारे गुरु जी विश्वनाथ को उदाहरण देते हैं, गधा क्या करता है, दिन भर काम करता है, गधा दिन भर काम करता है, सोचता है जब मैं शाम को घर में जाऊंगा ना, मेरी जो गाधी थोड़ी तो मीठी मीठी बोली बोलेगी, थोड़ा ऊपर में हाथ घुमाएगी, थोड़ी ऊपर में हाथ घुमाएगी, थोड़ी सी प्यार करेगी, लेकिन जो घर में आते ही क्या करती है गाधी, बोले स्त्री पद ताड़िता, विश्वनाथ छोटा कहते हैं पर स्त्री लात मारती है, अभी तो कांत है, अभी तो घूम घूम कर आ रहे, कोई काम धंधा नहीं, बच्चों को पढ़ाया नहीं, समझ नहीं, फिर पत्नी की गाली सुनो, फिर भागो, फिर भागो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, कहते जो बगुला है ना, वो बगुला नहीं रह जाता है, क्या हो जाता है, वो बन जाता है हंस, हंस बनकर क्या करता है, कमल मधुओं को रस को वो पान करता है, है? इसलिए यहाँ पर श्री गोस्वामी जी कहते हैं, बोले मोनी अच्छा रज करे जानी कोई संत संगति माही माना निगोई, वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनी कही निज हो। यहाँ पर उदाहरण देते हैं, कहते अभी तक अगर किसकी जगत में कल्याण हुई है, अभी तक किसकी कृपा से हुई, अगर कहता अगर कभी कि किसी का कल्याण हुई है, केवल साधु संग से ही कल्याण हुई है, और जगत में और कोई उपाय नहीं। इसलिए वाल्मीकि का जीवन बदला कैसे, दशरथ ना करता, बस नारद जी का संग हो गया तो कल्याण हो गया, कल्याण उसका हो गया। नारद जी का कल्याण कैसे हुआ है, कहते ये बोले जलचर स्थलचर नभचर नाना जो जड़े चेतन जीव जहाना है, बोले जलचर स्थलचर नभचर ये जितने चेतन जीव अगर कहीं किसकी कल्याण हुई है, बोले कल्याण कैसे हुई है, बोले सो जान व सतसंग प्रभाव लोक वेद न आन उपायो, सारे शास्त्र बताया
अगर जगत में अभी तक इसकी कल्याण हुआ तो साधु संघ से ही, इसलिए साधु संघ सर्वशास्त्र कहे और लभ मात्र साधु संघ सर्वशास्त्र सर्व सिद्धि है, केवल साधु संघ से ही जीव का अभी तक कल्याण हुआ है। इसलिए कहते साधु संघ की इतने महिमा, कहते सठ सुधर ही सत गति पाई, सठ सुधर ही सत गत पाई, परस परस सुधा सुहाई, परस परस खुदात सुहाई, विधिवत सो जन को संग पर हरि मणि सम निज गनो अन सरहि। इसलिए कभी ये सब की पद को तो दूसरे दूसरे साधु कहते हैं, कहते ना पचास इक्यावन बावन चौवन, मतलब 50 साल के बाद में घर में नहीं रहने चाहिए, इसलिए इक्यावन बोले वन में जाओ, बावन वन में जाओ, चौवन वन में जाओ और घर में नहीं, 50 हृदय बनम प्रजेत। लेकिन अगर वन में नहीं गया, साधु संग नहीं किया, भजन नहीं किया ना, पर कहते 68 पर 60 है अनस पर सठिया बन जाओगे, फिर सठिया बन जाओगे लेकिन और तुमसे कुछ होने वाले नहीं, इसलिए 60, 61, 62, 63 मतलब तू सठिया बन जाओगे। बांस जब कच्चा होना तो पक जाता है, लेकिन जब कच्चा तो टेढ़ा हो जाता है, लेकिन पक जाए तो और टूट जाएगा लेकिन टेढ़ा नहीं होगा। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं सठ सुधरे सत संगत पाए, अगर बाय चांस बसत हो, अगर किसी शुद्ध साधु का संग अगर मिल जाए तो कहते ऐसे सठों का भी कल्याण हो सकती है, ऐसे व्यक्ति का भी कल्याण। कैसे बोले पारस परस कुधात सुहाई, जैसे पारस पत्थर पा करके लोहे जैसे सोना बन जाती हैं, हैं लोहे जैसे सोना बन जाती हैं, अगर जीवन में साधु संग मिल जाए तो ये क्या होता है, लोहा भी सोना बन सकती। एक बढ़िया सुंदर उदाहरण दिया बोले विधिवश सुजन कुसंगत पर ही कत फणि मणि सम निज गुण अनुसर है। यहाँ पर कह रहे हैं विधिवश सुजन कुसंग पर ही है, इसलिए कहते जैसे कुसंगत में पढ़ करके है, अगर कुसंगत में अगर साधु जैसे व्यक्ति अगर कुसंगत में पढ़ गया, साधु अगर कोई कुसंगत में पढ़ गया, एक उदाहरण दिया है जैसे सांप के पास में मणि रहता है, सांप के पास में मणि रहता है, लेकिन ये मणि किसका संग कर रहा है, सांप का। सांप कैसे है, खल स्वभाव का। खाप सांप कैसे है, खल स्वभाव का, खल स्वभाव सांप है, वो देखते ही काटने के लिए दौड़ता है, लेकिन मणि किसका संग कर रहा है, सांप का। लेकिन करने पर भी क्या मणि अपना आलोक देना छोड़ देता है, मणि क्या अपना आलोक देना छोड़ देता है, नहीं, लेकिन इस सांप का साथ में रहते हुए भी मणि क्या करता है, अपना धर्म को नहीं छोड़ता। कहते उसी तरह कहते अगर कभी सुजन अगर कुसंग पर ही, अगर सुजन अगर कभी कुसंग में पड़ गया तो, लेकिन साधु कभी अपना धर्म को नहीं छोड़ता, कभी अपना धर्म ऐसे नहीं जिसको संगत में जाओ वैसे बन जाओ। इसलिए बताए ना दो तरह का वृक्ष है, दो तरह का वृक्ष है, एक तो छोटा वृक्ष है, लेकिन जो छोटा वृक्ष है उसको रोज क्या करना पड़ता, पानी देना पड़ता है, उसको पानी रोज दो, नहीं तो क्या होगा, मुरझा जाएगा, सूख जाएगी। लेकिन वही वृक्ष जब बड़ा हो जाता है वो क्या करता है, नीचे से पानी अपने आप लेना शुरू कर देता है, उसको फिर पानी देने का कोई जरूरत नहीं। कहते उसी तरह है, कहते उसी तरह जब तक हमारी, इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे, मेरे गुरुदेव कहा करते थे देखो जब तक हम साधन भजन में परिपुष्ट नहीं हो जाए, परिपुष्ट नहीं हो जाते हैं, हैं? कहते भाव दशा तक भी भरत महाराज का जीवन में दिखाया, वहां से भी उन्होंने गिर गए।
हिरण्यगर्भ संघ से उन्होंने भी वहां से गिर गए। इसलिए कहते जब तक हम परिपुष्ट नहीं हो जाते हैं ना, इसलिए जब हम किसी व्यक्ति का संग करें सावधान से संग करें, सावधान से हमें संग करनी चाहिए। इसलिए कहते हम भक्ति में हमारी जितना स्थिति है, भक्ति जगत में हमारी जो स्थिति है, लेकिन कोशिश करो उससे जो ऊपर का जो व्यक्ति उसका संग करने लगे, अपने से नीचे व्यक्ति का संग मत करो, कम से कम बराबर संग करोगे तो बचे रहोगे। समझ रहे हो? अगर जब तक बराबर संग करोगे तो बचे रहोगे, अगर तुमसे अगर नीचे व्यक्ति का संग किया ना फिर तो गिरोगे। इसलिए क्या करो, कम से कम बराबर संग करो, अगर उससे अगर ऊंचे कोई भक्त है उनका संग करो। लेकिन बद्ध जीव का क्या स्वभाव देख लो, अगर मंदिर में रहते रहते अगर थोड़ी मन किसी कारण से खराब हो गया ना, हम किसको पास में जाते हैं? हमसे जो गिरे हुए व्यक्ति को पास में जाएंगे। देखे ना, उस समय जो परामर्श लेने के लिए हमसे जो श्रेष्ठ व्यक्ति है जो हमें समझाएगा बुझाएगा भक्ति जगत का, उसको पास में हम नहीं जाएंगे, उसको पास में नहीं जाएंगे। किसको पास में जाएंगे? उससे जो गिरे हुए व्यक्ति होगा ना, वो देखना उसको पास में जाएगा, उसको पास में जाएगा। तो क्या, अरे सब मंदिर में ऐसे ही, सब मंदिर में ऐसे साधु सब ऐसे ही है, ये सब के समझो बेकार है। अरे शादी कर लो बढ़िया है, शादी कर लो ना, अगर तुम शादी कर लोगे बढ़िया है। सारे अभी तुम लेखा पढ़ा छोड़ दिए हैं, पता नहीं भविष्य में तुमको देखेगा कि कौन नहीं देखेगा हैं। तुमने सारे लेखा पढ़ा छोड़ छाड़ करके मंदिर में आ गया हैं। अगर घर में कुछ लेखा पढ़ा करता तो नौकरी चाकरी कर लेता, किसी तरह से देख लेता। तुम सब छोड़ करके मंदिर में आ गया, तुमने पता नहीं कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, भविष्य तुम्हारी क्या होगा नहीं होगा, इसलिए जाओ घर में चले जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी चाकरी करो। हम हमसे गिरे हुए व्यक्ति को पास में जाएंगे, हमसे जो उठे हुए व्यक्ति है ना, देखना उसको पास में हम सहज में उसको पास में नहीं जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते भैया ऐसे नहीं, इसलिए तुमसे जो उच्च व्यक्ति है ना उसको पास में जाओ, तुमसे गिरे हुए व्यक्ति को पास में मत जाया करो, तुम्हारी जो भक्ति है ना उससे तुम्हें नीचे उतार देगा। इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं, सत लाछना सत गंजना सत अपमान सुन कर भी हरि भजन नहीं छोड़ना, हरि भजन नहीं छोड़ना। संसार में कहते नहीं, संसार बढ़िया है, संसार जाकर देख लो, संसार में थे ना, सबका गाली सुनना पड़ता है, जगत में ऐसे कोई नहीं करेगा सारे सबका सेवा। घर का जो मुरब्बी को देखना, दिन भर काम करेगा, आठ आठ दस घंटा काम करेगा, पैसा कमा कर लाएगा, पत्नी की गाली सुनना पड़ेगा, बेटा का गाली सुनना पड़ेगा, बेटी की गाली सुनना पड़ेगा, परिवार का गाली, सबको गाली वो सुनता है, सुनता है कि नहीं? परिवार का व्यक्ति, तुम हमारे लिए क्या किया, तुम हमारे लिए क्या किया, तुमने जन्म दिया हमको ये नहीं दिया, सबको गाली वो सुनता है सबको, लेकिन वहीं पर क्या सर नीचा करके रहता है। लेकिन अगर मंदिर में अगर साधु गुरु वैष्णव अगर कोई थोड़ी सी बात बोल दिए, अगर हम गलती करते हुए अगर साधु गुरु वैष्णव अगर हमको ऐसे उन्होंने बोले, हमें ऐसे गाली दिया, हम मंदिर में नहीं रहेंगे, हम घर में जा रहे हैं, हम घर में जा रहे हैं, हम घर में। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी यहाँ पर कहती हैं, गोस्वामी जी यहाँ क्या कह रहे हैं, कहते हैं ये जैसे मणि, ये विषधर सर्प के साथ में मणि रहता है, लेकिन रहते हुए भी मणि अपना तेज को नहीं छोड़ता, अपना रोशनी को नहीं कभी छोड़ता, अपना रहता है जहरीले व्यक्ति को पास में। उसी तरह जो साधु है, साधु है भले ही किसी अवस्था में क्यों नहीं रहे, अपना भजन त्याग नहीं देनी करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद का यही अंतिम उपदेश है, सत लाछना सत गंजना सत अपमान सुन करके भी हरि भजन नहीं छोड़ना, हरि भजन नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए अपना रंग को हर समय रखना, जैसे हरिदास ठाकुर जी उनके पास में वैसे आ गए, हरिदास ठाकुर के पास में वैसे आ गए, और बेस्या ने क्या किया, कितने हाव कितने भाव कितने कटाक्ष, पता नहीं उसने क्या क्या करने के लिए कोशिश किया, क्या क्या करने के लिए कोशिश की, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, हरिदास ठाकुर क्या बोले, बोले तुम मेरा संग चाहती हो ना, बोले हाँ, इतने सुंदर आप हो, एकदम जवानी फूट रहा है शरीर में, और इतने सुंदर, देखो मैं कितने सुंदर ही हूँ, ये जवानी को क्यों आप बर्बाद कर रहे हो, और जहां पर निर्जन रात कोई नहीं, गंगा किनारा चांद्री चंद्रमा की चांदनी छिटक रही है, हाँ मीठी मीठी हवा बह रही है,
एकदम काम उद्दीपक स्थान, एकांत स्थान है, एकांत स्थान। कभी ये जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो मेरे को? और लक्ष्य ही रहा, बड़ी सुंदरी है, हाँ बड़ी सुंदरी है, कहते आप मेरे को संगत हो, लेकिन वो तो गलती भावना से कह रही है, हैं आप मेरे संगत, आपका संगत हो, लेकिन वो कौन है? साधु है। कहते भैया जैसे हम साधु संग करते हैं, साधु संग अभी साधु संग हो रहे हैं ना, कहते साधु के पास में आए तो साधु संगत देते हैं, क्या दे करके? हरि कथा के माध्यम में, हरि कथा माध्यम से संगत देते हैं। इसलिए कहते अच्छी बात, हम साधु के पास में आए हो, मेरी संगत चाहते हो, मैं तुमको तो कथा ही सुना सकता हूँ, हरि नाम तो सुना सकते, बोले वहां बैठ जाओ, अभी माला मेरी 3 लाख माला अभी पूरी नहीं हुई, तुम वहीं पर बैठ जाओ, और वहीं पर बैठ करके बस हरिदास ठाकुर जी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जोर से बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर जोर से उनका संगत देते रहे, हरि नाम सुनते रहे। पहला रात में तो उन्होंने हाँ भाप कटाक्ष और पता नहीं क्या क्या करने लग गई। बोले हरिदास ठाकुर बोला आज मेरा नाम ही पूरी नहीं है, बड़ी दुखी है, इसलिए मैं तुम्हें जरूर कल संग प्रदान करूंगा, कल आ जाना। ओ मुसलमान हाँ, काजी ने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज थोड़ी सी बाकी रह गई, थोड़ी सी बाकी रही, कल बस कल काम हो जाएगा। दूसरे दिन भी आए, दूसरे दिन में बोले अभी तो माला पूरी नहीं, बैठो बस। दूसरे दिन भी जोर जोर से हरिनाम सुनाने लग गई, दूसरे दिन भी हाँ भाप कटाक्ष और जितने उल्टा पुल्टा काम करने लग गई, लेकिन दूसरे दिन भी बोले देखो आज मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि तुम दो 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 दिन से आकर के विफल मनोरथ में जा रहे हो, कल जरूर आओ, जरूर मैं मेरा संगत तुमको मिलेगा। मतलब क्या है? दो दिन तक तो हैं भगवान की नाम सुनते सुनते हृदय पवित्र हुआ, कल पूरा के पूरा वैष्णव संग प्राप्त होगा, मतलब कल तुमको जीवन में बदला दूंगा। और जब तीसरे दिन ही आती है ना, वही तुम चुपचाप हो जाती है, दो दिन तक तो बड़ी हाव भाव कर, तीसरे दिन तक चुप होकर बैठती है और कथा सुनती है, और क्या सुनते? हरिनाम सुनती है। हरिदास ठाकुर कौन है? ब्रह्मा और श्री प्रह्लाद दोनों मिल करके हाँ, इतने इतने उत्तम वैष्णव है, इतने अच्छे वैष्णव है हाँ? इसलिए इतने अच्छे वैष्णव, और कहते तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न अपुनर्भव, उसके बाद में बोलो भगवत भक्त संघस्य मर्त्यानाम किमुदासस्य। जीवन में कहते एक लव अगर साधु संग हो जाए, एक लव कितना समय है? 1 सेकंड को 11 भाग करो, 11 भाग का 1वां भाग को एक लव कहते हैं। अगर जीवन में इतना समय अगर साधु संग हो, उसमें जो आनंद है, उसमें जो रस है, कहते स्वर्ग से लेकर के स्वर्ग मोह जन तप सत्य और उसको पर ब्रह्मलोक तो को जो आनंद है, कहते तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, कहते एक तराजू लेकर के इसका एक तरफ में कहते स्वर्ग से लेकर के अपवर्ग तक जो आनंद है उसको एक तरफ में रख लो, लेकिन तराजू का दूसरे तरफ में केवल साधु संघ का एक मुहूर्त का फल रख लो, तो कहते उसको साथ में बराबर नहीं कर सकते हैं। बस कृष्ण नाम सुनते सुनते तीसरे रात में थोड़ी देर जब कृष्ण नाम सुनी ना, फिर तो उसने छटपटाने लग गई, फिर तो उनके चरण में आकर गिर पड़े, रोने लग गए। बोले हरिदास ठाकुर जी आप इतने बड़े संत हो, जीव का कितने कल्याण करने वाले, मेरे को रामचंद्र खाने आपका सर्वनाश करने के लिए भेजा था। बोले मैं सारी बात जानता हूँ, पहला दिन ही यहाँ छोड़ करके मैं चले जाता, लेकिन दुनिया में दिखाना था ये हरिनाम और भक्त महाप्रभु का जो भक्त है, ये हरिनाम में कितने शक्ति तुमको दिखाना था दुनिया को, इसलिए जान बुझ करके तेरे के उद्धार के लिए मैं युद्ध किया था। जाओ गंगा में स्नान करके आओ, जितने सारे उल्टा पुल्टा काम करके पैसा कमाया, ब्राह्मण को दे करके आओ, एक वस्त्र पहन करके आओ, बस उन्होंने उनको सही वैश्या हो लो, परमा महाति बड़ा बड़ा वैष्णवतार दर्शन दे जाते, वही वैश्या परमा महाति हो गई है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर गोस्वामी जी कह रहे हैं, देखो
संत संग में हैं भणी मणि समनि जो गुण अनुसरही। जैसे जैसे भणी को साथ में सर्प को साथ में मणि रह करके अपना स्वभाव को नहीं त्याग देती हैं, जो साधु लोग को कभी नहीं छोड़ते, इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, हम भी अपना रंग को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। भले ही जैसे संग हो जाए लेकिन आप रंग कभी नहीं छोड़ो, अपना रंग में रहो, अपना रंग में रहनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कह रहे साधु संग की इतने महिमा, बोले कितने महिमा, बोले विधि हरि हर कवि को वेद वाणी, विधि हरि हर कवि को वेद वाणी, कहत साधो महिमा सकुचानी, कहत साधो महिमा सकुचानी, विधि हरि हर कवि को वेद वाणी, विधि हरि हर कवि को वेद वाणी। कहते ये साधु संघ की इतने महिमा, इतने महिमा, कहते विधि, विधि मतलब ब्रह्मा, कहते हरि, कहते भगवान स्वयं विष्णु, कहते विधि ब्रह्मा हरि और हर मतलब शंकर जी, और जितने कवि हैं, कितने वेद, कहते कही कहत साधु महिमा सकुचानी, वे लघु ही साधु संघ की महिमा को बोलने के लिए संकोच बोध करते हैं, क्योंकि साधु संघ की इतने महिमा। इसलिए सोम सन कही जात न कैसे, साग कभी नि मणि गुण गण जैसे। जैसे एक साग सब्जी बेचने वाले व्यक्ति जैसे मणि की महिमा को बता नहीं सकता है, तो साग सब्जी बेचते हैं वो पारस मणि की महिमा नहीं बता सकता है, उसी तरह साधु संघ की महिमा ब्रह्मा शंकर नारद भी साधु संघ की महिमा को बताने के लिए संकोच बोध करते हैं। बोले श्री साधु संघ की। यहाँ पर गोस्वामी जी इतने उन्होंने महिमा बताई ना, अगर जिस साधु संघ की महिमा क्या है और गुरु जी की महिमा क्या है और भगवान कथा की महिमा उन्होंने जो बताया ना, हे भगवान क्या क्या उन्होंने उपमा दिया, अद्भुत उन्होंने उपमा दिया, साधु संघ की क्या महिमा और भगवत कथा की क्या महिमा है। इसलिए हमारे भक्त नारायण गोस्वामी महाराज जब कथा बोलते थे ना, तब उन्होंने रामचरितमानस से बड़े सुंदर सुंदर हैं इस प्यार को गुरुदेव बोलते थे, और गुरुदेव बोलते थे इस प्यार को हम लोगों को बोलते थे इसको रट लो, ये भारी कथा बोलने के लिए है, अगर ये केवल रामचरितमानस से अगर श्लोक भी याद नहीं हो, अगर ये रामचरितमानस का अगर जो मैंने प्यार को इसमें एक विशेष बात किया है, जैसे आप हरी कथा करो ना कभी कभी ही कथा बोलते बोलते लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन अगर ये प्यार एक एक याद है, एक एक प्यार अगर बीच में थोड़ा कीर्तन को साथ में प्यार गा लो, कहते लोगों का जो बोर पड़े ना वो बोर पड़ नहीं रहेगा। मतलब इसमें कथा करने के लिए इसमें इतने सारे चीज इसके अंदर में रहे है, इतने सारी चीजें, बड़ी अच्छी अच्छी बात यहाँ पर उन्होंने अच्छी अच्छी बात बताई। जब उन्होंने नाम की जो महिमा इसमें गाई, हे भगवान नाम, इसलिए अब लोग भी इसका अच्छे अच्छे जो ये है ना प्यार को याद कर लो, जो नाम की महिमा उन्होंने गाई, अद्भुत रूप में नाम की महिमा गाई है, हैं नाम की महिमा बहुत उन्होंने गाई। कहते हैं ये तो हम चाहते हैं जो रामचरित है ना, ये कल परसों दिन भगवान राम की जन्मोत्सव आएगा, इसलिए हम सोचते हैं हमारे गोस्वामी ग्रंथ भैया हम ले गए, इसलिए नाम की महिमा इतने गाए। कभी जगत में अभी जिन का जगत में जितना महिमा है केवल नाम की महिमा के ऊपर, जो जितने भगवत नाम को शुद्ध रूप में जो जितने नाम कीर्तन किया जगत में उसका उतना ही जगत में महिमा है, नाम को छोड़कर जगत में और जगत में कुछ नहीं। उन्होंने एक एक उन्होंने प्रमाण देकर के यहाँ पर बताया है, हाँ? क्या कहते, बोले मोहा मंत्र जोई जपत महेशो
क्यों शंकर जी दूसरों को मुक्ति देते हैं किसकी महिमा पर, बोले भक्ति से प्यार है ना, याद कर लेना। इसलिए कहते हैं महामंत्र जोई जपत महेशा। शंकर जी क्या करते हैं दिन भर महामंत्र को, महामंत्र को शंकर जी जप करते हैं, और जिसकी प्रभाव से काशी में करवट लेने जाते हैं। करवट समझते हो, जब अंतिम श्वास मरते, मरने के लिए लोग काशी जाते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अंतिम श्वास छोड़ता है तो उसको कहना में शंकर जी भगवान का नाम बोल देते, भगवत नाम दे देने पर वो व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। इसलिए अब काशी में जाओगे जो घाट है मणिकर्णिका घाट, कितने लाश पड़े हुए देखो, क्यों बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं काशी में अपना प्राण त्याग करने से। वहां प्राण त्याग करने से फिर जगत में जन्म मृत्यु नहीं होता है, वहां की बड़ी महिमा। लेकिन जो मुक्ति प्रदान करते किसकी किसकी महिमा, बोले भगवान की नाम की महिमा। कहते सर्वप्रथम श्री गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है, बोले क्यों होती है, कारण क्या, बोले महिमा जासु जान गण राव, केवल नाम की महिमा से ही ये प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, केवल नाम की प्रभाव से इनका पहला पूजा हो रही है। इसलिए गुरु जी सुनाते थे, बोले एक समय सारे 33 करोड़ देवता लोग जगह पर बैठे, बोले सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए, बोले उनकी पूजा पहले होगी जो ये विश्व ब्रह्मांड को परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा। सब अपना वाहन लेकर भागे, ब्रह्मा जी हंस वाहन और श्री कार्तिक है मौर वाहन और कौन कौन गणेश। अभी सब लोग भागे क्योंकि जो पहला परिक्रमा करके आएगा, ये टीवी में भी दिखाया है, एक बार मैं टीवी देख रहा था, उसमें तो क्या क्या दिखा रहे थे, वहां पर तो उन्होंने पिता माता की परिक्रमा कर ली, लेकिन यहाँ पर कहते भगवान का नाम की परिक्रमा से है। इसलिए कहते प्रथम पूजियो तो नाम प्रभाव। अभी गणेश जी कहाँ जाएंगे, नारद जी आए, बोले क्या बात है, बोले ऐसे ऐसे बात है, बोले कोई चिंता मत करो, भगवान राम का नाम लिखो और उसका 3 बार परिक्रमा करो। वो तो एक ब्रह्मांड को पता नहीं कितने सालों में परिक्रमा करके आएंगे, लेकिन तुमने तीन बार अनंत करोड़ ब्रह्मांड को परिक्रमा लगा लिया। बोले क्यों, बोले हरि से बड़ा हरि का नाम है, बस गणेश जी की जय जयकार हो। इसलिए सारा दुनिया में गणेश जी की पहला पूजा हो रही है, केवल यही कारण से ही पहला पूजा हो रही है, कहते और कोई कारण नहीं। बोले सहस नाम सम सुनी शिव बानी जपी जय प्रिय संग भवानी। यहाँ पर कह रहे हैं ये पार्वती की जगत में इतना पूजा क्यों हो रही है, सारा दुनिया पार्वती क्यों पूजा कर रही है, बोले कारण है, बोले सहस नाम सम सुनी शिव वाणी है। इसलिए कभी पार्वती शंकर जी से पूछे जगत में किसका नाम लेनी चाहिए, शंकर जी बोले पार्वती है राम रमति रमति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम विस्तुल्यम श्री राम नाम बरा। हे सुंदरी पार्वती, अगर एक बार कोई राम का नाम ले तो सहस्र जो 1000 विष्णु नाम जप करने से जो फल मिलेगा, एक बार राम नाम करने से वही फल मिलेगा। तब से पार्वती क्या कर रही है, भगवान के नाम जप कर रही है। इसलिए जपी जय प्रिय संग भवानी, इसलिए शंकर जी की पार्वती इतना प्रिय है। देखना कभी कभी पार्वती को शंकर जी जंगल में बैठा करके, हाँ भागवत में आता है ना, जब चित्रकेतु महाराज भ्रमण करते करते कैलाश में गए, देखा क्या देखा, शंकर जी पार्वती को अपना गोद में बैठा करके ऋषि मुनियों को तत्व ज्ञान दे रहे। चित्रकेतु ने क्या बताया, बोले भैया पत्नी को तो एकांत में कोई गोद में लेकर बैठते है, आप ऋषि मुनियों को उपदेश दे रहे हो, सभी को सामने पत्नी को गोद में लेकर उपदेश दे रहे हो, इतने पार्वती की बिगड़ गई पार्वती है। बोले तुम कौन होते हो, यहाँ पर इतने ऋषि मुनि बैठे हुए है, ये शंकर जी को समझ नहीं पाया, तुम समझ गया, उन्होंने उनको अभिशाप दे दिया। कहते फिर ये शंकर जी पार्वती को गोद में क्यों बैठा कर रखे, इसका कारण बताए। कहते अगर पृथ्वी का किसी कोने में कोई व्यक्ति अगर एक बार श्री कृष्ण व राम का नाम लेता है, शंकर जी वैष्णव नाम जता संभो, वो वहीं से उनको प्रणाम करते, बोले भगवत नाम ले रहा है, मतलब कितने महिमा समझोगे।
जो एक बार राम का कृष्ण का नाम ले शंकर जी वहीं से प्रणाम करते हैं, लेकिन पार्वती को गोद में क्यों बैठा है? बोले कारण है जपी जय प्रिय संग भवानी, कारण पार्वती हर समय है हाथ में माला लेकर क्या कर रहे हैं, भगवान के नाम जप कर रही है। कहते हैं जो व्यक्ति एक बार लेने पर उनको प्रणाम करते हैं और जो व्यक्ति हर समय प्रभु का नाम लेते हैं वो कितना प्रिय नहीं होगा। इसलिए शंकर जी पार्वती का अपना गोद में स्थान दिए। कहते इसका ये रहस्य है, इसके ये रहस्य है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो भगवान का जो नाम है, है? कद इस जगत में नारद जी, कद इसी जगत में नारद जी प्रहलाद ध्रुव जी का जो महिमा, किस लिए इतना महिमा? कद नाम की महिमा सुना दो जी। अब बोलते हैं ना प्रहलाद का नाम क्यों होगा है? इसलिए कहते कहते ये बोले नारद जानो नाम प्रतापो जग हरिहर प्रियापो, नारद जानो नाम प्रतापो जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो। इसलिए कहते नारद जी जगत में है क्या करते हैं, नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नाम। इसलिए कहते नारद जानव प्रभु नाम प्रतापो जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो। इसलिए भगवान का इतने प्रिय श्री नारद जी कारण है हर समय प्रभु का नाम जप करते हैं। बोले ध्रुव है, है? बोले ध्रुव सलगानी जपाओ हरि नाओ, ध्रुव सलगानी जपाओ हरि नाओ, पायाओ आचल अनुपम ठाओ, ध्रुव सलगानी जपाओ हरिनाम। ध्रुव जी को जो ध्रुव लोक की प्राप्त हुई, अचल लोक की प्राप्त हुई, बोले कारण क्या? बोले कारण है ध्रुव जी ने ये हरिनाम को ओम नमः भगवते वासुदेवाय। कहते श्री हनुमान जी को जगत में इतना क्यों पूजा हो रही है, कारण क्या है? हनुमान जी क्या करते हैं? बोले सुमारी पवन सुत पावन नामो, पवन सुत पावन नामो, आपन बस करे राख रामो, आपन बस करे रामो। केवल हनुमान जी सुमेरि पवन सुत पावन नाम, भगवान का पवित्र नाम को जप करते करते भगवान को उन्होंने अपना बस में कर लिया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भाय कुभाय अनख अलसो नाम जपत मंगल दिस दिसो। इसलिए कहते किसी तरह से भी भगवान का नाम को अगर कोई जप करे तो क्या होगा? कहते मंगल दस दिसो। इसलिए सुमरी और कहते राम ना सकई नाम गुण गाई, नाम की इतने महिमा। कहते भगवान नाम ही राम ही अपना नाम को महिमा बता नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी बहुत अच्छा अच्छे उन्होंने उदाहरण देकर बताए ये नाम क्या है, ये पाप क्या है, ये नाम क्या है, ये संसार क्या है। उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी उन्होंने नाम की इतने महिमा यहाँ पर बताए। आप लोग कोशिश करना जब नाम तत्व की याद करना, यहाँ से सब याद कर लो। नाम का महिमा तो याद करो ही, लेकिन यहाँ से भी
बहुत अच्छी अच्छी बयार उन्होंने बताया नाम की महिमा के ऊपर में, इसलिए उन्होंने श्री नाम की महिमा यहाँ पर खूब दिल खोल करके नाम की महिमा को बताते हैं। फिर उसके बाद में फिर उन्होंने श्री रामायण को शुरू करते हैं, हैं? कभी ये वाल्मीकि और चाक्य बल्क, कभी यहाँ पर श्री चाक्य कभी जाज्ञ बल्क और कौन है, जाज्ञ बल्क और भारद्वाज, ये भारद्वाज और जाज्ञ बल्क ये इनकी संवाद ये रामायण है। मतलब एक समय प्रयाग में रहते थे श्री भारद्वाज, प्रयाग में रहा करते थे। एक समय प्रयाग में जो माघ की महीना में दूर दूर से बड़े बड़े साधु लोग आए, ये कथा जैसे ना जैसे श्री सनातन गोस्वामी आए, ठीक यहाँ पर हम देखा ठीक ऐसे पूरा का पूरा ऐसे ही वहा इसलिए यहाँ पर श्री कहते यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि लोग बड़े बड़े दूर से आकर के एक महीना ये प्रयाग में रहते थे माघ की महीना। हमने कभी भागवत कथा की, तुम गया था वहां पर भागवत कथा में, तुम गए, तुम गया था कथा, हाँ। इसलिए वहां पर हमारे गुरु जी का कोई शिष्य है, उनको पिता माता ने वहीं पर कल्पवास करते थे माघ महीना में, एक एक महीना रहते थे, रोज त्रिवेणी में स्नान करते थे गंगा में, उस समय दयानिधि प्रभु थे, इसलिए वहीं पर हम लोगों ने वहाँ पर भागवत हमने कथा की माघ महीना में भागवत कथा की, और वहाँ पर रोज रोज जाकर के प्रयाग में हम लोग ने स्नान करते थे, गंगा में स्नान करते थे। इसलिए वहाँ पर कल्प या बट वृक्ष वहाँ पर है, हैं? वहाँ पर जिस वृक्ष के ऊपर में उन्होंने अमृत रखा था, और वहाँ पर त्रिवेणी संगम वहाँ पर है, इसलिए बेणी माधव भी वहीं पर है। इसलिए एक समय बड़े बड़े दूर दूर से बड़े बड़े साधु लोग वहीं पर एकत्रित हुए, एक महीना तक रोज त्रिवेणी में स्नान, और कल्प वृक्ष को नीचे बैठ करके बट वृक्ष को नीचे बैठ करके संत लोग बड़े प्रसन्न होते थे, और वहीं पर हरिचर्चा हुआ करते थे, वहीं पर हरिचर्चा होती थी। जब एक महीना पूरी हो गई, पूरी हो जाने पर सबके सब संत लोग चले गए, लेकिन जब चले गए उसी समय भारद्वाज ने कहते जाज्ञ बल्कों को जाने नहीं दिया, बोले आप कृपा करके यहाँ पर कुछ दिन रुक जाओ। जाज्ञ बल्क ने वहीं पर कुछ दिन जब रुक गए, तब श्री भारद्वाज ऋषि जाज्ञ बल्कों को चरण में प्रणाम करते हुए प्रश्न करते हैं, उनका प्रश्न बोले ये बताओ बड़ा अद्भुत जीवन है, अगर ये भगवान राम अगर भगवान हो लेकिन ये लता पताओं को हासिते 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 बोल करके लता पताओं को हिरण को भ्रमर को सबको पूछ रहे थे मेरे सीता कहीं देखे हो, मेरे सीता कहीं देखो। फिर उन्होंने क्या किया, इतना नहीं केवल सीता को पीछे उन्होंने पूरा लंका खत्म कर दिया, रावण को मार दिया केवल सीता के पीछे। इसलिए इसी विषय पर ना मेरे शंका हो रहा है, क्या यही शास्त्र में जिसको परात पर तत्व बताया, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है, विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक शास्त्र में जो उनको परात पर तत्व बताया, ये क्या जो नर रूप धारण करते हुए जब राम आए हैं, क्या ये राम क्या वही है ना, ये राम कोई साधारण है। इसलिए आप कृपा करके इनकी कथा सुना। जब उन्होंने ये बात बताए तब श्री जाज्ञ बल्क ऋषि ने फिर उन्होंने कथा सुनाई, तो देखो ठीक यही प्रश्न यही बात शंकर जी यही बात को उन्होंने कभी पार्वती को उन्होंने सुनाए थे, कभी ग्रंथ का जो मूल कर्ता कौन है, बोले शंकर जी ने ये कथा को उन्होंने श्री पार्वती को सबसे पहले उन्होंने सुनाई, पहले अपना हृदय में रामायण ये शंकर जी ने लिखे, फिर शंकर जी ने ये कथा कभी उन्होंने काकभूषण को सुनाए थे, हैं? फिर काकभूषण भी कभी कथा कभी उन्होंने गरुड़ जी को कभी उन्होंने सुनाए, हैं? गरुड़ जी को कभी कथा सुनाया उन्होंने, अभी मेरे को तुमको वही कथा सुनाता हूँ जो कथा शंकर जी पार्वती को जो कथा सुनाए, फिर शंकर जी पूरी रामायण को उन्होंने शुरुआत करते हैं, यहीं से श्री रामायण शुरुआत हुई। इसलिए कल हम लोग फिर सुनेंगे शंकर जी ये रामायण को कैसे शुरुआत करते हैं,
और किस रूप में रामायण को शुरुआत की। बोले श्री सियावर रामचंद्र की, बोले श्री पवन सुत हनुमान की, बोले श्री लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की, बोले श्री अयोध्यापुरी की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि हो। बोला हरे कृष्ण। कल है श्री रामानुज आचार्य जी का आविर्भाव है, आविर्भाव है ना, इसलिए कल जो शाम को प्रभु तो सवेरे माधुर्य का आदमी कथा करते हैं, कल शाम को ना हम श्री रामानुज आचार्य जी की शिक्षा, उनका जीवन चरित्र सब कथा सुनेंगे, ठीक है। इसलिए हरी कथा को ये जब शाम को प्रभु जी बैठेंगे शाम को, और ये बच्चों को सब सब बच्चे लोग बोलेंगे, सो कल पढ़ कर जाना। रामानुज आचार्य का कथा को बहुत अच्छी अच्छी कथा है, पढ़ गया से वो अनुपम कहाँ गया, अनुपम पढ़ कर गए, वो कहाँ है, इसलिए तब पढ़ गया सर हो, ये पढ़ गया कई बार कई 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 बार मुंडगण आलोचन कल आवण रामानुज तर बहुत शिक्षा अच्छी, तर बहुत भल भल स्टोरी अच्छे, बहुत सुंदर सुंदर कथा अच्छे, जी चेष्टा कर, चेष्टा कर तुम तो कही पार ना गुरुदेव।